हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास सेवन, वेलकम बैक स्टूडेंट्स। हिंदी विषय, हिंदी की पाठ्यपुस्तक रोली, हिंदी पाठमाला, इसमें आज आप चैप्टर नंबर 10 जिसका शीर्षक है दवा, दफ्तर और जिंदगी। दवा, दफ्तर और जिंदगी, इस चैप्टर नंबर 10 की इस कहानी को आप लोग पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि इस पार्ट का जो शीर्षक है इससे स्पष्ट है, दवा जो मनुष्य के बीमार होने पर काम आती है, दफ्तर, दफ्तर का अर्थ होता है कार्यालय, तथा जिंदगी का अर्थ है जीवन। इन तीनों ही शीर्षकों से संबंधित इस पाठ में आपको पढ़ना है। यह जो कहानी है यह एक उपन्यास का अंश है और यह पाठ डोमिनिक लॉबियर के उपन्यास आनंद सागर का एक अंश है। स्टूडेंट्स, इस अंश से पहले कोवाल्स्की झुग्गी झोपड़ियों की बस्ती में सेवा का कार्य करते थे और वह एक बार एक निर्धन महिला की जान को बचाने के लिए विदेशी मानव संस्था से दवाई मंगाते हैं। विदेशी चूंकि दफ्तर में कर्मचारियों की लापरवाही से दवा रोगी तक नहीं पहुंचती और दफ्तर में ही एक्सपायर हो जाती है, यानी उसके उपयोग करने की जो तिथि है वह खत्म हो जाती है। तो स्टूडेंट्स, इस पार्ट में जो कि उपन्यास से ली गई कहानी है इस पर एक प्रकार का व्यंग किया गया है। इस पर तो दफ्तर पर यानी कार्यालय पर, सरकारी कार्यालय के जो कर्मचारी होते हैं किस प्रकार से कार्य को टाल देते हैं और किसी मानव के जीवन से खिलवाड़ कर जाते हैं, इस चीज को इस कहानी में लेखक ने बताया। ओके स्टूडेंट्स, इसके साथ साथ आप इस कहानी में ये भी पढ़ेंगे कि इस प्रकार से किसी मरणासन्न अवस्था में जो व्यक्ति हो उसके लिए दवा कितना महत्वपूर्ण है, तथा सरकारी कार्यालयों में किस प्रकार से भ्रष्टाचार व्याप्त है, इसी पर इस चैप्टर में कटाक्ष किया गया है लेखक के द्वारा। तो स्टूडेंट्स, इसकी शुरुआत करते हैं। कोलकाता का कस्टम दफ्तर सरकारी दफ्तर का जीता जागता उदाहरण था। पुरानी जर्जर इमारत, अब यहाँ आप देखेंगे स्टूडेंट्स कि दफ्तर किस प्रकार का है। इस पर सबसे पहले दफ्तर का जो ढांचा है किस प्रकार है, के है दफ्तर, उसके बारे में लेखक बता रहे हैं कि इमारत जो है वह काफी पुरानी जर्जर है और सीढ़ियों पर पेशाब की बदबू, इधर उधर आते जाते लोग, यह पहला सरकारी कार्यालय था जहाँ कोवाल्स्की ने प्रवेश किया। यानी इसके पूर्व जो कोवाल्स्की यानी इस कहानी के लेखक हैं वह किसी अन्य सरकारी दफ्तर में प्रवेश नहीं किए थे, परंतु अब जब उनके मन में एक महिला को बचाने के लिए, बीमार महिला है उसकी जान को बचाने के लिए विदेश से दवा मंगाने की जरूरत है, तो एक मानव संस्थान से दवाई मंगाते हैं और तब उस दवा को प्राप्त करने के लिए किस प्रकार से कस्टम कार्यालय में जाते हैं, इसे यहाँ पर बताया गया है। तो देखेंगे बच्चों कि वह दवा का पार्सल पहुंचने के नोटिस को हाथ में इस प्रकार पकड़े हुए थे कि सब उसे देखे और माने कि वह कोई जंतर हो जिसके जादू से सारा काम सज जाएगा। सारा काम सज जाने का क्या अर्थ है, यानी सभी कार्य पूर्ण हो जाएंगे, कंप्लीट हो जाएंगे। वह सामने के कमरे में यानी कोवाल्स्की जो है वह सामने के कमरे में घुसता है, लेकिन जो कुछ उसने देखा उस कमरे में घुसने के बाद, कोवाल्स्की ने जो कुछ उस कमरे में देखा तो उसे देखकर उनका जो उत्साह था उनके मन के अंदर वास्तविक के, वह उत्साह उनका बिल्कुल
ठंडा हो गया। कोवाल्स्की ने तो सोचा था कि हम जाएंगे, मेरे हाथ में स्लिप है यानी पर्ची है, और कस्टम वाले देखेंगे हमारे पास तुरंत मुझे दे देंगे। लेकिन ऐसा नहीं, कोवाल्स्की जैसे ही प्रवेश करते हैं तो वहां सामने का दृश्य ही कुछ अलग था, बिल्कुल अलग था। ठीक है स्टूडेंट्स, पैर अपने आप ही रुक गए, यानी कोवाल्स्की जो चल रहे थे पर्ची हाथ में लिए चुपचाप रुक गए। उनके सामने पुरानी मेजों और शेल्फों का युद्ध क्षेत्र था। युद्ध क्षेत्र कहने का मतलब यहाँ युद्ध का क्षेत्र नहीं, बल्कि जो वह कार्यालय था, इस प्रकार से फाइलें कागजें कागज वगैरह फाइल है वह सब इधर उधर बिखरा पड़ा था कि कौन पेपर इस प्रकार के कागज किधर है, वह कोई व्यवस्थित नहीं था, सभी बिखरे पड़े थे इधर उधर। ठीक है स्टूडेंट, और फाइलों के मने मनो बोझ तले वे बैठ ही जा रहे थे। आप देखेंगे स्टूडेंट्स कि जब कोवाल्स्की अंदर गए और उसके बाद वह सामने के कमरे में घुसे, लेकिन जो कुछ उसने देखा उसे उनका उत्साह ठंडा पड़ गया, पैर अपने आप रुक गए, और उसके सामने पुरानी मेजों और शेल्फों का जो युद्ध क्षेत्र था, फाइलों के मनोबोध तले वे बैठी जा रही थी, और डोरी से बंधे पीले पड़ते कागज उसमें से झांक रहे थे। मोटे रजिस्टरों यानी ऑफिस में मोटे मोटे रजिस्टर भी थे, कुछ हिस्से दीमक या चूहे खा गए। अब यहाँ पर आप देखेंगे स्टूडेंट्स किस प्रकार से कोवाल्स्की बता रहे हैं, ये जो कार्यालय है कस्टम कार्यालय कोलकाता का, उसमें जो फाइलें हैं उसमें दीमक लगा है, किसी को चूहे काट चुके हैं, मतलब सभी कागज जो है फाइल है जो जरूरत की है आवश्यकता की है और सभी क्या है तो बिखरे पड़े हैं। अर्थात यह कि उस कार्यालय में जो काम होता था वो व्यवस्थित तरीके से बिल्कुल भी नहीं था। फिर भी कोवाल्स्की जो इस कहानी के पात्र हैं लेखक हैं तो क्या कर रहे हैं कि उनको एक उम्मीद है एक आशा है कि उन्होंने जो विदेश से दवा मंगाई है उस गरीब महिला के इलाज के लिए वह उन्हें प्राप्त हो जाए। ठीक है फ्रेंड्स, परंतु क्या होता है आप देखेंगे कि अधकुली और अधकुली दरारों से तरह तरह के छपरे में फॉर्म बाहर निकले हुए, यानी बिल्कुल बिखरा हुआ दृश्य लेखक ने यहाँ पर उपस्थित किया है उस कार्यालय के बारे में, और दीवार पर कुछ साल पुराना कैलेंडर टंगा था, जबकि कैलेंडर का क्या नियम है कि वह करंट होना चाहिए, जो वर्तमान वर्ष है उसका होना चाहिए, परंतु कोवाल्स्की देख रहे हैं जो दीवार पर कैलेंडर है वह कई साल पुराने कैलेंडर है जिसका कि उस कार्यालय में कोई भी उपयोग नहीं था। ओके स्टूडेंट्स, जिसमें देवी दुर्गा महिषासुर का संहार कर रहे थे, जो कैलेंडर था उसका दृश्य बता रहे लेखक, ये कैलेंडर में देवी दुर्गा है और महिषासुर का संहार कर रही है, इस प्रकार का एक चित्र लगा था। और इस सारी अव्यवस्था के बीच एक दर्जन बाबू लोग बैठे थे, एक दर्जन कहने का मतलब 12, यानी ये तो व्यवस्था थी उस कार्यालय में, जो भी सामान थे बिखरे पड़े थे तो व्यवस्थित तरीके से था, और जितने भी बाबू लोग कहने का मतलब जो कार्यालय में पोस्टेड थे, वहां जो पोस्ट पर काम करने वाले व्यक्ति थे कर्मचारी थे उनको यहाँ बाबू कहा गया है, तो दर्जन यानी 12 लोग लगभग वहां बैठे थे, और उनके सिर पर लगे बिजली के पंखों से निकलती हवा कागजों को चारों उड़ा रहे, यानी पंखे चल रहे थे और उससे जो आसपास में कागज थे उस कार्यालय में वह कभी इधर उड़ रहा, कोई कागज इधर उड़ रहा है, कोई इधर उड़ रहा है, मतलब इस तरीके की अनुभूति हो रही है कोवाल्स्की को कि लग रहा है कि जैसे इस कागजात का इस कार्यालय का कोई उपयोग भी नहीं हो रहा, इस तरह की प्रतीत हो रही है, ऐसा प्रतीत हो रहा है इस दृश्य को देखने के बाद। ओके स्टूडेंट्स, अब देखेंगे आगे कि कागज को चारों ओर उड़ा रहे थी हवा, और बाबू लोग उन उड़ते हुए दस्तावेजों को पकड़ने के लिए इस तरह लपक रहे थे। लपकने का क्या अर्थ है, लपकने का अर्थ है फ्रेंड्स पकड़ना, हाँ कागज को लपक रहे थे कि मानो तितलियां पकड़ रहे,
जिस प्रकार से बच्चे तितली को पकड़ने के लिए लपकते हैं ऐसे, उसी प्रकार से पंखे की हवा के कारण जो वह कोलकाता का सरकारी दफ्तर है कस्टम कार्यालय, उसमें सभी कागजात इधर से उधर बिखर रहे हैं और बाबू लोग उसको पकड़ने लगे। ओके स्टूडेंट्स, और उसके बाद कुछ बाबू अति प्राचीन टाइपराइटरों पर उंगलियां मार रहे हैं। वर्तमान में तो कंप्यूटर का समय है, परंतु जिस समय की कहानी को कोवाल्स्की ने इस चैप्टर नंबर 10 में रखा है, उस समय में ऑफिसों में पुरानी टाइपराइटर यानी जिसको प्रिंट करने के काम में लाया जाता था टाइपिंग मशीन, तो उस पर उंगलियां चला रहे थे लोग और कई ऐसे क्रियाकलापों में व्यस्त थे जिनका दफ्तर के काम से कोई संबंध नहीं जान पाता था। मतलब उस कार्यालय में कुछ ऐसे भी व्यक्ति बेकार के बैठे हुए थे जिनका कि उस कार्यालय से कोई लेना देना नहीं था और बेकार का बैठे थे, कोई संबंध नहीं रहने के बाद भी अपने समय को जाया कर रहे थे। और जैसे ही जान पड़ता था कि अखबार पढ़ना या चाय की चुस्कियां लेना कुछ मजे पर बड़े कागजों के गुलंदे बनाए मजे में सो रहे थे कुछ अपनी कुर्सी पर योगी से आसन में बैठे थे और मानो निर्वाण प्राप्त कर लिया। महात्मा गांधी का एक धूल भरा चित्र वैराग्य भाव से चारों ओर फैली अव्यवस्था को देख रहा था। तो यह भी पंक्ति में इस पंक्ति में भी लेखक कोवाल्स्की ने क्या कहा कि कुछ लोग बड़े मजे से ऐसे आराम की मुद्रा में उस कार्यालय में थे जैसे कि लग रहा हो कि इनकी जरूरत यहाँ नहीं है। हालांकि वह उस कार्यालय के कर्मचारी थे, उनको काम करना चाहिए था, परंतु कोवाल्स्की यानी जो इस कहानी के लेखक हैं वो क्या बता रहे हैं कि कुछ लोग बेकार के बैठे हुए जिनका कोई लग रहा था कि इस कार्यालय से लेना देना नहीं, उनके लिए कुछ कार्य नहीं, कोई योग कर रहे हैं, कोई नींद मार रहे हैं, इस तरीके से सभी बैठे हुए, कोई न्यूज पेपर को पढ़ रहा है, मतलब कार्यालय के काम से किसी का कोई लेना देना नहीं। तो बच्चों यह कहानी थोड़ी लंबी है, तो इसको फिर मैं आगे की कहानी को नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। आज आप लोगों ने पढ़ा कि दवा दफ्तर और जिंदगी पाठ में जो कार्यालय की व्यवस्था है कस्टम कार्यालय की जो कलकत्ता में स्थित है उसको किस प्रकार से कुव्यवस्थित है, किस प्रकार से कुव्यवस्थित है, इस प्रश्न को आप लोग आज भगवत में करेंगे। इसके आगे की कहानी फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स।